पूर्व सांसद आनंद मोहन डीएमजी कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं और वे फिलहाल सहरसा जेल में हैं। इस बीच जेलों में कोरोना के बढ़ते मामले को देख उनकी पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद और बेटा विधायक चेतन आनंद ने उनकी रिहाई की मांग उठाई है। इसी क्रम में आनंद मोहन की रिहाई के लिए उनके परिवार वालों के साथ साथ समर्थकों ने सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दिया है। शनिवार को कई घंटे तक ट्विटर पर रिलीज आनंद मोहन नंबर एक पर ट्रेंड करता रहा। ट्विटर पर चलाई जा रही इस मांग के बाद आनंद मोहन के बेटे और राजद विधायक चेतन आनंद ने लोगों को धन्यवाद किया है और उम्मीद जाहिर है की है कि बहुत जल्द जेल से उनके पिता आनंद मोहन बाहर आएंगे। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने भी लोगों को धन्यवाद दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि बहुत जल्द आनंद मोहन जेल से बाहर आएंगे। बता दें कि आनंद मोहन के परिवार ने बिहार सरकार से आग्रह किया है कि आनंद मोहन को कोरोना को देखते हुए जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद का कहना है कि आनंद मोहन लगभग 14 साल से जेल में बंद हैं। इस दौरान उन्हें कभी भी पैरोल पर भी नहीं छोड़ा गया है। आनंद मोहन की मां जो 98 साल की हैं, उन्हें भी कोरोना है। वो लगातार अपने बेटे को याद कर रही हैं। इस वक्त जब आनंद मोहन 65 साल के हो गए हैं और कोरोना महामारी से कई लोगों की मौत हो रही है और कब किसको कोरोना हो जाए कोई नहीं जानता, इस हालात को देखते हुए आनंद मोहन को रिहा किया जाए। आनंद मोहन के बड़े बेटे और राजद विधायक चेतन आनंद भी अपने पिता को जेल से जल्द बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। चेतन आनंद कहते हैं कि कोरोना को देखते हुए हर वक्त डर बना रहता है कि मेरे पिता ने तो सजा भी पूरी कर ली है, इसके बावजूद उनके बाहर निकालने में क्या दिक्कत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी कोरोना के दौरान कैदियों को लेकर है। चेतन का कहना है कि नीतीश कुमार ने 2020 में भरोसा दिलाया था कि आनंद मोहन उनके मित्र हैं, उनकी चिंता वो भी करते हैं, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। कोरोना को देखते हुए अब तो कम से कम मेरे पिता आनंद मोहन को रिहा कर दिया जाए।